अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स पॉइंट। आप सबको रमज़ान बहुत मुबारक। उम्मीद करती हूँ आपके रमज़ान में रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अच्छा जी, आज जिस लेक्चर के साथ मैं अगेन हमारे पास एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द प्लेन फिगर्स, ठीक है। और अगेन अगर आपके पास D1 बुक है तो इसका चैप्टर 13 है, और अगर आपके पास एडिशन न्यू है D2 बुक है F6 की तरफ से जो हमारे पास बुक है, तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है। एक्सरसाइज अगेन उसके अकॉर्डिंग 13 है, और अगर आपके पास न्यू एडिशन है तो आपके पास 7 है। सो क्वेश्चन नंबर 9 के यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया। आपके पास एक फिगर दिया गया और इसमें हमने फाइंड आउट करना है, हमने एरिया फाइंड आउट करना है शेडेड रीजन का, ठीक है। ये शेडेड रीजन हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। सबसे पहले अगर आप फिगर को एनालाइज करें तो आपके पास ये जो फिगर है ये रेक्टेंगल है, ठीक है। आपके पास कैसे पता चला आपके पास रेक्टेंगल है कि यहाँ की अगर आप देखें इसकी ब्रेथ तो 23 है, और जब इसको देखें तो 7 और 13 को ऐड करें तो 23 नहीं आता। तो ये आपके पास रेक्टेंगल है, यानी कि इसकी ब्रेथ और लेंथ सेम नहीं है। अब इस रेक्टेंगल फिगर में आपको ये शेडेड रीजन फाइंड करना है, जो कि आपके पास एक ट्रेपेज़ियम किस्म की शेप है या कह लो क्वाड्रिलेटरल है। और इस क्वाड्रिलेटरल में उन्होंने हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, अगर आप बुक से क्वेश्चन सारे रिलेट करें कि आपके पास जो PQ है ये एक स्ट्रेट लाइन है, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस में दिया है, यानी कि P के बिल्कुल पैरेलल में हमारे पास ऑपोजिट में हमारे पास कौन सा फेस है, पॉइंट R है। इस लाइन का मतलब है कि अगर यहाँ से यहाँ तक मेरे पास लेंथ, यानी कि AD अगर मेरे पास 23 है, तो PQR भी मेरे पास क्या होगा, 23, क्योंकि ये सेम लेंथ की है, यानी कि यहाँ पे मैं इसको 23 मीटर लिख सकती हूँ। जितनी मेरी लेंथ DA की है उतनी मेरे पास CB की है, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आपको पता है कि आपके पास पैरेलल साइड्स होती हैं, सेम होती है। अगर ये आपके पास 2 होगा तो ये भी आपके पास 2 होगा। फिर इसके बाद एक तो हमारे पास PR की लेंथ पता चल गई। अब हमने फाइंड करना है शेडेड रीजन। अगर हम इस पॉइंट को हाइट करें तो हमारे पास 2 ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल मेरे पास बन रही है PQR ट्राइंगल बन रही है, एक ट्राइंगल अगर मैं इसको हाइट कर दूँ तो मेरे पास बनती है PSR, ठीक है। ये 2 ट्राइंगल बन गए। ये हमारे पास होगी बेस लाइन जो कि 23 थी। इस ट्राइंगल की भी बेस लाइन 23 और उसकी भी 23। अब बात आती है कि हमारे पास यानी कि ये हमारे पास होगी दोनों की बेस की हाइट क्या बनती है। हम ऐसे करते हैं, पहले क्वेश्चन को साथ स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपकी इसकी हाइट क्लियर करती हूँ। हमने फाइंड आउट करना है एरिया, तो मैं लिख लेती हूँ एरिया ऑफ इस ट्राइंगल को, मैं कंसिडर कर रही हूँ PQ एंड देन हमारे पास R, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। सबसे पहले तो हम एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा जी, अब इसकी बेस की बारे में, बेस इसकी हमारे पास होगी PR की, जो हमारे पास लेंथ है 23, बेस की लेंथ 23 मीटर। अभी मैंने आपको बताया था कि जितनी हमारे पास DR है उतना ही हमारे पास PR है, उतनी हमारे पास CB, इन सब की लेंथ सेम है, सब 23 है। अच्छा जी, अब बात आती है हाइट की। अब देखो इसकी हाइट निकालो, सबसे पीक पॉइंट से जो यहाँ पे हमारे पास हाइट निकलती है, तो इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक है। अब जितना पॉइंट आपके पास क्यू से लेके ये पॉइंट है, बेशक आपको इसको कोई और नाम दे दें, यहाँ पे मैं अगर एक्स चूज़ कर लूँ, उतनी हाइट मेरे पास DP की है, क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, यानी कि जितनी हाइट यहाँ पे उतनी हाइट यहाँ पे है, तो यानी कि आपके पास QX की कितनी हाइट होगी, 7 मीटर। और ये X मैंने खुद से पॉइंट लिखा, आप बेशक मत लिखें, मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा ताकि आपको समझा सकूँ, 7 मीटर। तो हाइट मेरे पास कितनी आ गई, 7 मीटर। बस आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, 23 × 7 = 161 mm, आपके पास m स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, और डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास कितना है, 80.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया इस ट्राइंगल के एरिया। अब हमें ट्राइंगल फाइंड करनी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है PSR, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR। अगेन फार्मूला लगाएं, 2 × बेस × आपके पास क्या होगा, हाइट। अच्छा, 1/2 बेस की बारी आती है। अगेन देखो आपके पास बेस कौन सी है, बेस इस ट्राइंगल के, अगर मैं इस पार्ट को हाइट कर दूँ तो हमारे पास ट्राइंगल है PSR, तो अगेन हमारे पास PR आपके पास बेस है, और बेस आपके पास कितनी है, 23 मीटर। यहाँ पे लिख लेते हैं हमारे पास बेस है 23 मीटर, और हाइट हमारे पास है, अब ये देखें यहाँ से इसकी हाइट निकालें, इसका ये हाइट इस पॉइंट है, इससे हाइट नीचे आप करें तो जितनी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की है, PC की भी इतनी लेंथ है, इस FC की इस पॉइंट तक भी उतनी लेंथ है, उतनी आपके पास RB पॉइंट की भी लेंथ है। तो ये लेंथ आपके पास कितनी है, 13.5, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, वहाँ से हमने इसकी हाइट ले ली 13.5, और आपने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है।
ठीक है, सारी वैल्यू एक्चुअली उन्होंने दी हुई है, लेकिन ये है कि किसी और पॉइंट में वैल्यू दी हुई और आपने उसको खुद से एनालाइज करके यहाँ पे लिखना है। जी तो हमारे पास वैल्यू है इसकी 310.5 डिवाइडेड टू मीटर स्क्वायर, इसको डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो इस ट्राइंगल का एरिया आ रहा है वो 555.25 मीटर स्क्वायर आ रहा है। अच्छा जी, अब हमने एरिया फाइंड करना है, तो एरिया में क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। अब हमारे पास एरिया ट्राइंगल, ठीक है, हमने इस क्वाड्रिलेटर की वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी कि इसका एरिया फाइंड करना था। अब हमारे पास ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल PSR दोनों का एरिया आ चुका है, इसको बस ऐड कर देंगे, हमारे पास क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाएगा। अब इस तरह क्वाड्रिलेटर का एरिया देखें तो आपके पास से PQRS, तो हम इसको लिख लेते हैं एरिया ऑफ PQRS, इनका एरिया को हमें ऐड कर लेना। इसका एरिया हमारे पास था 80.5 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया हमारे पास है 155.25 मीटर स्क्वायर। ओके जी, 80.5 प्लस 155.25, तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज 235.75 मीटर स्क्वायर। सो ये तो हमारे पास हो गया कि एरिया हमने जो फाइंड किया था क्वाड्रिलेटर की, एक जो शेडी रीजन था। अगेन आप लोग को चीज़ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, वो है आपके फार्मूलाज, आपको फार्मूला सही से आने चाहिए, देन इसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप अपनी फिगर जो आपको गिवन फिगर होता है उसको आप किस तरह से एनालाइज करते हैं, डाटा को आप किस तरह से, डाटा दिया होता है मोस्टली और आपको उसको रीड करना, फिगर को एनालाइज करना कैसा आता है। स्टिल अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टिल दैट, टेक योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।